जय बाबा की। तो अभी इतवार में जो रविवार को हम लोग लाइव आए तो एक भक्त ने भी पूछा कि भाई हमें जो घर में धुनी करने की विधि बता दीजिए। और भी कई भक्त पूछते रहते हैं। मैंने शुरुआत में कुछ वीडियोस में धुनी बताई थी, आज एक बार फिर से मैं आपको सिद्ध गुरु बाबा गुरु रक्षनाथ महाराज की घर में धुनी कैसे करनी है मैं वो बता रहा हूँ आपको। पूरी विधि ध्यान से सुनिएगा और आपसे यही प्रार्थना है कि देखिए इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी विधि ध्यान से सुनिएगा और एक एक विधि के जो मैं तरीके बता रहा हूँ उस विधि को पूरी को कीजिएगा साथ में, तो गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी। और ये जो सिद्धि धुनी है बाबा गुरु गोरखनाथ की, ये आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य के भंडारे भरेगी और सभी कष्टों को मिटाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर अवश्य करें। चेला गोरख का किसी से कोई पैसा नहीं लेता है किसी भी कार्य को बताने के लिए। हर रविवार को शाम को 7 बजे हम लोग लाइव आते हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप उनको लेकर लाइव हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आपके जवाब वहाँ मिलेंगे। तो इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, मिलते हैं। जय जय गुरु गोरखनाथ। जय बाबा की। तो चलिए बाबा गुरु गोरखनाथ कृपा से बताते हैं आपको आज कि घर में बाबा गुरु गोरखनाथ की धुनी कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो घर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की पूजा का समय है वो समय या तो सुबह का होता है या शाम का होता है। पूजा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं किंतु धुनी लगाना या दीपक जलाने का जो समय होता है वो शाम और सुबह का कहा गया है वेदों में शास्त्रों में। दिन ढले यानी कि जब सूर्य ढल रहा होता है और दिन चले यानी कि जब सूर्य निकल रहा होता है उस वक्त का ये समय होता है। तो पूजा पाठ के लिए जो मैं गृहस्थ जीवन के लिए बताता हूँ, क्योंकि गृहस्थ लोग हैं जिनकी शादीशुदा हो गई है जो परिवार में रहते हैं उनको गृहस्थ कहा जाता है, और जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके लिए जो मैं पूजा पाठ के लिए समय बताता हूँ वो समय आज के समय के अनुसार आज की परिस्थिति के अनुसार मैं अगर बात करूँ तो वो समय है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। आपको किसी भी परिस्थिति में 8-8:30 बजे तक हर हाल में अपनी पूजा की ज्योति लगा देनी चाहिए, संपन्न कर लेनी चाहिए। अब इसके कई चरण हैं। पहली चरण होती है ज्योति का प्रकाश करना। ज्योति में बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कृपा से, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देसी घी का दीपक लगाना चाहिए बाबा का, किंतु आपकी जो सामर्थ्य है, जो महाराज की कृपा से आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप ज्योत लगा सकते हैं। जिसकी सामर्थ्य देसी घी की है वो देसी घी का लगाएं, जिसकी सामर्थ्य सरसों के तेल की है वो सरसों के तेल का लगाएं, जिसकी सामर्थ्य तिल के तेल की है वो तिल के तेल का दीपक लगाएं। आप अपने सामर्थ्य अनुसार दीपक लगा सकते हैं। भाई महाराज से कीजिए, महाराज यही आपने दिया है तो यही दीपक आपको समर्पित है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक लगाइएगा। ठीक है, दीपक लगाने के बाद जब बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा का आह्वान करने के बाद में अब आती है बारी धुनी की। धुनी के लिए आपको क्या करना है, धुनी के लिए आपको गोबर का उपला, कंडा जिसको बोलते हैं, उपला बोलते हैं, वो गाय के गोबर का हो या भैंस के गोबर का हो। गाय के गोबर का होगा तो अति उत्तम है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास कहा गया है। उस उपले को ले लें, उसका एक छोटा करसी बना लें, एक छोटा टुकड़ा बना लें। अच्छा, आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप धुनी किस में कर सकते हैं। घर के अंदर कोई आपने हवन पार्टी तो बना नहीं रखी होगी, तो आप जो मिट्टी का बर्तन आता है, कुंडा जिसको बोलते हैं, एक गोल बड़ी परिपाटी का कुंडा होता है, बिल्कुल हवन कुंड की तरह से होता है मिट्टी का बर्तन, जिसे हम जौ वगैरह भी बोल लेते हैं, तो वो उस मिट्टी के बर्तन के अंदर आप जो उपला है आपका, तो वो जो उपला है आपका उसको आप गर्म कर लीजिए अग्नि में। चाहे तो अगर आपके, देखिए आपके जिनके जिन भक्तों के घरों में चूल्हा जलता है आज भी, तो वो तो चूल्हे में ही अपना उपला कर लें, और जिनके यहाँ चूल्हा नहीं है, जो शहरों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, वो गैस पर, अंगीठी पर, जैसे भी चाहें वो उस उपले को गर्म कर लें। जब वो एकदम गर्म हो जाए, लाल हो जाए, उसको उस कुंडा में रखें, उस मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में रखें उसको। ठीक है, उसको रखने के बाद गुरु गोरक्षनाथ के महाराज के सामने बैठ जाएं। बैठने के बाद में सबसे पहले उसके ऊपर देसी घी की 5 आहुतियाँ दें, देसी घी की 5 आहुतियाँ दें। ओम श्री गोरक्षनाथाय नमो नमः, 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 ऐसे करके 5 आहुतियाँ दे दें उस पूरे उपले के ऊपर देसी घी की। आप यहाँ पर, मैंने मंत्र बोला, आप यहाँ पर
सिद्ध बाबा नमो नमः, सिद्ध बाबा गुरु गोरक्षनाथ की जय, ओम गोरक्षनाथ है नमो नमः, कैसे भी बोल सकते हैं पांच आवती दे लिए। उसके बाद दो जोड़े लौंग के, लौंग के दो जोड़े का मतलब हो गया चार लौंग, यानी कि एक जोड़े में दो लौंग होती हैं, तो दो लौंग और दो लौंग चार लौंग, चार लौंग ये दो जोड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो दो जोड़े लौंग के आप उसके ऊपर खेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, धुनी दो तरीके से होती है, एक ज्वलंत ध्वनि जिसमें अग्नि का ज्वाला उत्पन्न होती है, अग्नि देते हैं हम लोग, एक होती है शांत ध्वनि जिसको ध्वनि बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको ध्वनि की क्रिया बता रहा हूँ बाबा गुरु गोरक्षनाथ की आज की, क्योंकि बाबा गुरु गोरक्षनाथ की ध्वनि बहुत अति प्रिय थी उन्हें, तो ध्वनि की क्रिया बता रहा हूँ। इसमें अग्नि नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है, दे देंगे। उसके बाद उसके ऊपर पाँच आहुति या सात आहुति सामग्री की देंगे। सामग्री की नौरष्टा सामग्री आप बना लीजिएगा। नौरष्ट सामग्री बना दी कैसे जाती है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं वीडियो का नौरष्ट सामग्री जो इस विशेष प्रकार की सामग्री होती है हवन कुंड के लिए कैसे बनाएगी उसकी मैं विधि, पूरी विधि मैं लिंक डाल रहा हूँ उस वीडियो का, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है उस वीडियो में एक लिंक डाल रहा हूँ, आप उससे देख लीजिएगा उस वीडियो को और आप नौरष्ट सामग्री बना सकते हैं, ठीक है। तो उस नौरष्ट सामग्री से आप सात आहुति या पाँच आहुति उसमें फिर से एक बार गुरु गोरक्षनाथ का नाम लेके ओम गुरु गोरक्षनाथ नमो नमः करके वो सात आहुति या पांच आहुति आप उसमें दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद, अब इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, 21 बार नाक रगड़ेंगे इस तरीके से, यस में ऐसे ऐसे कोई ना रगड़े, नो में नहीं रगड़नी है, हमेशा यस में रगड़नी है। 21 बार नाक रगड़ेंगे, अपनी किसी भी गलती के लिए, भूल के लिए क्षमा करेंगे, प्रार्थना मांगेंगे और उसके बाद ईश्वर से, अपने इष्ट से, अपने गुरु महाराज से आप प्रार्थना करेंगे, जो भी आपको समस्या है आपके घर में आपके जीवन में उस समस्या का समाधान आप उनसे मांगेंगे। इस तरीके से ये ध्वनि होती है, ठीक है। अब इस ध्वनि पर बहुत सारे लोग भोग की बात करते हैं कि हम भोग कैसे दें या क्या दें, तो देखिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ भोग वैसे तो मीठा दे देना चाहिए। आप इस ध्वनि पे भी बतासे, दो बतासे प्रभु के नाम के, बाबा के नाम के दो बतासे ध्वनि में ही दे दें, अंदर डाल दें, वो भी हो सकता है। नहीं तो दो ध्वनि के ऊपर से ऐसे वार के अलग अलग दें, गौ माता को दे दें, ऐसे भी आप भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर में जो आप खाना बनाते हैं उसमें से भी भोग लगा सकते हैं, उसका भी यही तरीका है, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उसमें डाल दें या ऊपर से वार के रख दें और गौ माता को दे दें, कैसे भी आप अपना भोग का क्रिया कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप कोई ना कोई छोटा सा गत्ता, कागज़ या कुछ भी ले लें, पंखा ले लें हाथ का, थोड़ा सा उसमें हवा दे दें, ध्वनि को हवा दे दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे मेरे सिद्धनाथ, हे गुरु महाराज, इस पवित्र धुएँ से, ध्वनि का जो ये धुआं है, इससे हमारे सारे पाप मिट जाएं, सारे कष्ट मिट जाएं, ठीक है। और उसे पूरे घर में ध्वनि को दे, ऐसे ऐसे करके पंखे की हवा उस पर पूरे घर में उस ध्वनि को दे दें, केवल एक अपना बाथरूम का एरिया छोड़ के, टॉयलेट का एरिया छोड़ के, बाकी सब जगह उसको घुमा दें, पूरे घर में घुमा दें। उससे क्या होगा, आपके घर से में जो भी ब्याथा होगी, ऊपरी छुपी तांत्रिक क्रिया कुछ भी होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा आप प्रतिदिन करें, हफ्ते में एक बार करें, 15 दिन में एक बार करें या महीने में एक बार करें, जैसा भी नियम आप बांध सकते हैं बांधें, बाबा की धुनी करें। इसके अलावा धुनी मंदिरों में भी हो सकती है, परमानेंट धुनी भी हो सकती है, कई तरीके हैं। आज मैंने एक छोटी सी विधि बताई है आपको घर में, कि आप घर में धुनी किस तरह से कर सकते हैं, उसकी आप इस तरह से धुनी करें, बाबा गुरु गोरक्षनाथ महाराज की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनेगी, अवश्य बनेगी। आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हर रविवार शाम को 7 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे आपको और चेला गोरख का आपके उत्तर देगा। चैनल को शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस चैनल से जुड़े और अपनी समस्या का समाधान पाए। जय जय गुरु गोरक्षनाथ, जय जय धाम महाराज।